हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीमेस ज्ञान। तो बहुत दिनों बाद हमने रसशास्त्र का टॉपिक उठाया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर, पारक प्रकरण अध्याय में बहुत बार कांजी जो टर्म है वो आया है, तो सर कांजी क्या होता है और इसके बारे में वीडियो बनाइए और कांजी के निर्माण के बारे में वीडियो बनाए। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे, मतलब कांजी निर्माण विधि के बारे में, इसमें कौन सा मटेरियल्स यूज होता है और इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी निर्माण विधि की प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके हमारे अपने दोस्तों को ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि सभी को ये वीडियो मिल सके कांजी पे। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप अपना सजेशन हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम जल्द से जल्द आपका जो सजेशन है उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा कांजी निर्माण विधि के बारे में। कांजी निर्माण विधि, तो ये है हमारा टॉपिक आज का कांजी निर्माण विधि, इसके बारे में हम देखेंगे और ठीक है, तो इसके सारे प्रोसेस के बारे में देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है, तो ये जो है कांजी निर्माण विधि, ये हमारे पारद प्रकरण अध्याय में आता है, इसके बारे में बताया गया है। तो पारद प्रकरण जो अध्याय है ये हमने इसके बहुत सारे टॉपिक्स पहले ही कंप्लीट कर लिया है। ये कांजी निर्माण विधि हमने नहीं बताया था, मुझे लगा कि सबको आता होगा बट कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर इस पर बनाइए वीडियो, तो मैं बना रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल्स क्या क्या हमें लगेगा, क्या क्या मटेरियल्स लगेगा कांजी निर्माण विधि। तो पहला है हमारा चावल। चावल जो है हमको 1 किलोग्राम मतलब 1 केजी लगता है इसमें। दूसरा है कुलथ, जो कि ये भी 1 केजी लगता है। ठीक है, कुलथ के बाद है तीसरा हमारा राई, ये 500 ग्राम यूज होता है, मतलब आधा किलो। चौथा है सैंधव, लवण, सैंधव लवण, जो कि हमारा 1 किलो यूज होता है इसमें। पांचवा है हमारा हरिद्रा, ये हमारी 250 ग्राम यूज होती है, मतलब हरिद्रा मतलब हल्दी। छठवा है बास, यहाँ बांस की पत्ती यूज़ करेंगे, बांस की हरी पत्तियाँ। ठीक है, तो बांस की हरी पत्तियाँ हमको लेना है 250 ग्राम मतलब 1 पाव। सातवां है जीरा, जीरा हमको 100 ग्राम लेना है। आठवां है सुंठी, सुंठी सुंठी को 100 ग्राम यूज़ करना है हमको, 100 ग्राम लेना है मतलब। नौवा है शुद्ध हींग, शुद्ध हींग लेना है हमको 50 ग्राम। ठीक है, शुद्ध हींग के बाद हम लेंगे सरसप तेल, सरसप मतलब सरसों, मतलब सरसों, तो हमको सरसप तेल मतलब सरसों का तेल 250 ml लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 11th पॉइंट, जिसमें हमको लेना है उड़द का आटा, जो उड़द की दाल होती है उसकी, उसका आटा कर लेना है, मतलब उसको आटा निकलवा लेना है उससे, उसमें हमको 250 ग्राम मतलब 1 पाव लेना है उसको। उसके बाद जल लेना है, वाटर लेना है हमको 10 लीटर, 10 लीटर वाटर ले लेना है, जो ये सारे विधि में यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारा इंग्रेडिएंट, जिसमें चावल 1 किलो ले लिया, कुलथ 1 किलो ले लिया, राई 500 ग्राम मतलब आधा किलो, सैंधव लवण 1 किलो, हरिद्रा 250 ग्राम, बांस की पत्ती 250 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, सुंठी 100 ग्राम, शुद्ध हींग 50 ग्राम,
सरसव तेल 250 ml, उड़द आटा 250 ग्राम और जल 10 लीटर ले लिया है हमने, ठीक है। तो ये सारे हमारे 12 जो हैं इंग्रेडिएंट्स हो गए कांजी निर्माण के लिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे कांजी निर्माण या कांजी को बनाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं विधि, प्रोसेस देखते हैं कांजी निर्माण की, ठीक है। विधि या प्रोसेस, तो सबसे पहले हम जो चावल होता है, चावल को हम 2 लीटर जल में, दो दो लीटर जल में पका कर, 2 लीटर जल में या वाटर में उसको हम पका कर भात बना लेंगे, ठीक है। तो चावल को 2 लीटर जल में भात बना लेना है पका कर। उसके बाद हमको कुलथ लेना है, कुलथ को हमको कुलथ को हमको 8 लीटर जल में पका कर 2 लीटर क्वाथ बनाना है, ठीक है। तो हमको 8 लीटर जल लेना है कुलथ, उसमें कुलथ डाल लेना, उसको पका कर हमको 2 लीटर क्वाथ बना लेना है। मतलब कुलथ जिस 1 किलो लिया था हमने, याद होगा आपको अभी। इसके बाद हमको क्या करना है, जो जितने भी और सारे इंग्रेडिएंट्स बताए गए थे, जैसे था राई हमारा, सैंधव लवण, हरिद्रा, हरिद्रा मतलब हल्दी, ठीक है। उसके बाद जीरा, जीरा के बाद हमको शुंठी लेना है, शुंठी मतलब अदरक, और घी लेना है, मतलब सॉरी घी नहीं, घी में भुने हुए हींग को लेना है, ठीक है। तो ये सारे लेना है, जैसे राई हो गया, सैंधव लवण, हरिद्रा, हल्दी, जीरा, शुंठी और घी में भुने हुए हैं। तो इन सभी को अलग अलग या पृथक पृथक करके हमको चूर्ण बना लेना है, ठीक है। तो राई को, सैंधव लवण को, जीरा को, हल्दी को और घी में भुने हुए हींग को अलग अलग करके चूर्ण बना लेना है। इसके बाद हरे बांस के पत्ते को लेना है, ठीक है। हरे बांस के जो पत्ते होते हैं, कितना लेना है, एक पाव बताया गया था 250 ग्राम हरे बांस के पत्ते या बांस की हरी पत्तियाँ, उसको काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, ठीक है। तो हरे बांस के पत्तों को हमको काट कर कर छोटे टुकड़े में कर लेना है। इसके बाद जो हमने उड़द का आटा लिया था 250 ग्राम, उड़द का आटा, उसको सरसों तेल में वटक बना लेना है, ठीक है। तो जो हमने 250 ग्राम उड़द का आटा लिया था, उसको हमको सरसों के तेल में या सरसों तेल में वटक बना लेना है, वटक बना लें, ठीक है। उड़द के आटे का सरसों तेल में वटक बनाना है। फिर ये जो सभी बताए गए थे, मतलब जितने भी अभी बताए गए, चावल को भात बना लेना है 2 लीटर जल में लेके, कुलत को 8 लीटर जल में 2 लीटर क्वाथ बनाना है, राई, सैंधव लवण, हरिद्रा, जीरा, शुंठी, हींग, इन सभी का चूर्ण जो होता है उन ये ले लेना है, हरे बांस के पत्ते को, ये सभी को लेकर एक बड़ा भांड, ठीक है, एक बड़े से पात्र में, उसके अंदर हमको तेल का लेप कर देना है। उसके जो सरफेस है, अंदर वाली सरफेस है, उसमें हमको तेल का लेप करने के बाद, उसमें ये सारे जो अभी हमने द्रव्य बताए हैं या मटेरियल्स बताए हैं, जैसे चावल हो गया, भात, चावल के भात हो गया, भात हो गया, क्वाथ हो गया, राई, सैंधव, हरिद्रा, जीरा, शुंठी और घी में भुने हुए शुद्ध हींग का चूर्ण तथा बांस के हरे पत्ते और उड़द के आटा, ठीक है, लवण एवं शेष द्रव्य, जितने भी द्रव्य बच गए अभी जो बताया था, उस सभी को हमको एक उस बड़े भांड में डाल देना है या मिला देना अच्छी तरह से। ध्यान रहे कि जो पात्र है उसका 1/4 भाग खाली रहे, ठीक है, मतलब 1/4 भाग खाली रहना चाहिए, जबकि हमको 3/4 भर देना है इन सभी द्रव्यों से और जल से, ठीक है। इसको हमको 1/4 भाग खाली रखना है, ध्यान रहे आपको। इसके बाद जो भांड का या पात्र का मुख है, उसको हमको सराव से ढक कर कपड़ा मिट्टी कर देना है, ठीक है। तो सराव संपूट कर देना है, मतलब उसके मुख को सराव से ढक कर कपड़ा मिट्टी कर दें और इसको हम सुरक्षित स्थान पर रख देंगे, ठीक है। कपड़ा मिट्टी करने के बाद इस पात्र को हम सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। इसके बाद
ये जो 10-12 दिन बाद हमको इसको ओपन करना है, और 10-12 दिन तक रखने के बाद इसको ओपन करना है। इससे जो होती है कांजी जो होती है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये था कांजी निर्माण विधि। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।